उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के जोरदार प्रयास में लगी कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी, यानी कि 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 162 से अधिक सीट पर महिला प्रत्याशी उतारेगी। वहीं प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है बीजेपी ने इस मामले पर, जरा सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास संगठन में न तो कार्यकर्ता बचे हैं, न क्षेत्र में नेता बचे हैं, और कांग्रेस को मजबूरी में पैकेज पॉलिटिक्स पर उतरना पड़ा है। वो रोज किसी न किसी नए तरह के ऑफर लेकर आ रही है, लेकिन जनता इसको भली भांति जानती है। मुझे तो लगता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस को 40% सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देगी, और ये टिकट उन महिलाओं को दिया जाएगा जो समाज में आगे आना चाहती हैं, जो समाज में मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के इस दांव के बाद से महिलाओं में जरूर उत्साह है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इतने बड़े राज्य में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये दांव क्या कांग्रेस के लिए सार्थक साबित होता है या महज चुनावी खेल साबित होता है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।